Hello kids, I hope you all are fine. Very good. Okay, so today we will do our work in Hindi subject, okay? So you have to take out your Hindi CW book and page number 23. Last time हमने page number 22 किया था, री की मात्रा. Okay, सबने complete कर लिया है with nice handwriting. Very good. Okay, so आज हम करेंगे page number 23. यहाँ पे लिखा है चित्र देखकर सही नाम चुनो और लिखो. ओके, यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए गए हैं. ओके, उसमें से आपको देख के यहाँ पे लाइंस में लिखना है, ब्लैंक में लिखना है. ओके, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, पिक्चर्स देखिए और नाम लिखिए. ओके, नेम्स लिखेंगे हम. ठीक है, चलिए. तो अभी फर्स्ट कौन सा पिक्चर है? फार्मर है ना, फार्मर. तो फार्मर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? कृषक. ओके, सो यू हैव टू राइट फ्रॉम द बोर्ड. ओके, चलो लिखो यहाँ पे क करो, फिर नीचे क्री की मात्रा करो, फिर लिखो श क, कृषक, और ऊपर लाइन करो कृषक. ओके, फार्मर को हिंदी में कृषक बोलेंगे. फिर दूसरा पिक्चर किसका है? यस, हाउस का है ना, तो हाउस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? यस, गृह, गृह. सो पहले आप ग करोगे, नीचे री की मात्रा और ह, गृह, गृह. ओके, थर्ड पिक्चर किसका है? ट्री, तो ट्री को क्या बोलेंगे हम? वृक्ष, वृक्ष. क्या लिखा है? वृक्ष. ओके, सो राइट हियर, पहले व करो, नीचे री की मात्रा और फिर श, क्षत्रिय का श, वृक्ष. ओके, ये किसका पिक्चर है? ऋषि. ओके, सो ऋषि कहाँ पे लिखा है? दिस वन, ऋषि. ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ से देखो आपको लिखना है री और छोटी की मात्रा करके श, ऋषि. ओके, फिर क्या है? डियर, डियर को हम क्या बोलेंगे? मृग, मृग. ओके, सो पहले म करो, म करके री की मात्रा और ग, मृग. डन. ओके, नाउ लास्ट वन, ये कौन है? किंग. ओके, किंग को क्या बोलेंगे हम? री प, री प. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले न, री की मात्रा और प, री प. इस तरह ही आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है और अच्छे राइटिंग से करना है, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट इन एनएसडब्ल्यू बुक. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कंप्लीट इट. थैंक यू.